Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग इस respective chapter को detail में study out कर चुके हैं, that is chapter number 1 from class 6, the geography NCERT, and the name of the chapter is the earth in the solar system, right? इस chapter को हम लोग detail में study कर चुके हैं, even हम लोग इसके summary को भी discuss कर चुके हैं पूरा completely, और सारे के सारे videos के जो link है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन आउट है, आप उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक. तो आज के रिस्पेक्टिव वीडियो में हम लोग यहाँ पर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं, रिस्पेक्टिव चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं और उसको हम लोग आज यहाँ पर स्टडी आउट करेंगे. ठीक है, तो मैं चलती हूँ यहाँ पर आगे. सो सबसे पहले मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज पर ही आ जाती हूँ क्योंकि राइट हियर फाइन. सो यहाँ पे सबसे पहले थ्री टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस है. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर्स है, देन टेक द करेक्ट आंसर है, एंड थर्ड ऑप्शन इज द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो हम लोग नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. सो हमारा जो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार. मतलब कि जो प्लैनेट है और जो स्टार्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके आंसर को डिस्कस करते हैं. मैंने इस चैप्टर को ऑलरेडी बहुत डिटेल पढ़ाया है, तो अगर आपने पढ़ा है तो रियली आप इसका आंसर ऑटोमेटिकली अपने आप फाइंड आउट कर लोगे. ओके, बट मैं बताती हूँ, इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. यहाँ पे प्लैनेट्स जो होती हैं, प्लैनेट्स आर द सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है. ठीक है, प्लैनेट्स के बाद खुद के पास हीट की हीट और लाइट नहीं होती है, और वो स्टार्स की लाइट से लिट अप होते, लाइट से और हीट से स्टार्स की लाइट और हीट को यूज़ करते हैं. तो इस तरह की बॉडीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, प्लैनेट्स. और अगर स्टार्स के बारे में बात करें तो जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती हैं और जो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती हैं, वो खुद की गैसेस से मिलकर बनी होती हैं और उनके पास खुद की हीट और खुद की लाइट होती है. तो इस तरीके की सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम लोग बोलते हैं स्टार. तो अगर प्लैनेट का एग्जांपल लें तो प्लैनेट के एग्जांपल्स हैं अर्थ, मर्करी एक्सेट्रा. स्टार का एग्जांपल लें तो स्टार का एग्जांपल है सन. ठीक है, तो ये था यहाँ पे हमारा वेरी फर्स्ट आंसर फॉर हाउ डज अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम ए स्टार. मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस को एक्सप्लेन आउट किया. ठीक है, ग्रेट. सेकेंड इज वॉट इज मेंट बाय द सोलर सिस्टम. अब सोलर सिस्टम क्या होता है? सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट और जितने भी अदर सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडीज जैसे कि मीटियोराइट, एस्टेरॉइड, ये सब मिलाकर फॉर्म करती हैं हमारा सोलर सिस्टम. सो सोलर सिस्टम में सन होता है, हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं, और सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्टेरॉइड्स, मीटियोराइट्स, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये सारे सब चीज़ें मिलाकर फॉर्म करती हैं हमारा सोलर सिस्टम. ठीक है, सो दैट इज द आंसर फॉर द what is meant by solar system. Third, name all the planets according to their distance from the sun. अब जितने भी planets हैं उन सबको उनकी distance, जो sun से उनका distance है उसके accordingly आप उसको name out करते हैं. सबसे पहले हमारा होता है mercury. The first one is the mercury. Second one is the venus. Then we have earth, mars, jupiter, saturn, uranus and then neptune. तो ये सारे 8 हैं यहाँ पे in total, जो कि यहाँ पे सन की जो डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया. वापस से एक बार बताती हूँ, सबसे फर्स्टली है मर्करी, देन यू हैव द वीनस, देन यू हैव द अर्थ, मार्स, सैटर्न, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरानस एंड नेपच्यून. ठीक है, तो इनको याद रखिएगा यहाँ पे. ग्रेट, अब वाई इज अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट. अब अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट क्यों कहते हैं? अच्छा, इसको अर्थ को हम लोग यूनिक प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे सोलर सिस्टम है, राइट. अर्थ को जो हम लोग है यूनिक प्लैनेट सोलर सिस्टम में इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी फेवरेबल हैं, लाइफ को सपोर्ट करती हैं वो कंडीशंस. लाइक मतलब कि ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो नॉर्मल फेवरेबल कंडीशंस है जिसमें कि कोई भी पर्सन ईजली लिव कर सकता है. तो इसीलिए ये जो कंडीशन है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ पे फाउंड आउट होती हैं. तो इसलिए फर्स्ट रीज़न है कि यहाँ पर अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में. सेकेंड रीज़न है कि जो अर्थ है, अर्थ में हम यहाँ पर वाटर और एयर मिलता है हम लोग को, और जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारे सर्वाइवल के लिए, राइट. तो अर्थ में ही सिर्फ वाटर और एयर भी हम लोग को मिलता है, तो ये सेकेंड रीज़न है कि वाई अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट
ऑफ द सोलर सिस्टम. तो ये दोनों रीजन है जिसकी वजह से हम लोग अर्थ को एक यूनिक प्लैनेट कहते हैं सोलर सिस्टम का. नेक्स्ट, वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज. अब हम लोग को मून का हमेशा सिर्फ एक ही साइड क्यों दिखता है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि जो मून है वो सन के वो अर्थ के अराउंड मूव करता है 27 डेज में. अराउंड 27 डेज में वो अर्थ के अराउंड मूव करता है, राइट. और वो एग्जैक्टली सेम टाइम, यही सेम टाइम लेता है एक स्पिन को कंप्लीट करने के लिए भी. तो यही रीजन है कि हम लोग को हमेशा मून का एक ही साइड दिखता है, अर्थ से हम लोग को मून का एक साइड इसलिए दिखता है क्योंकि वो अबाउट 27 डेज लेता है फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थ के अराउंड मूव करने के लिए, और सेकेंडली वो सेम टाइम लेता है एक स्पिन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज यूनिवर्स. अब यूनिवर्स क्या है, जब बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो गैलेक्सीज होती हैं, मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जब एक साथ मिल जाती हैं तो वो फॉर्म करती हैं यूनिवर्स, ठीक है. और गैलेक्सी क्या होती है, गैलेक्सी जो होती है बिलियंस ऑफ स्टार्स जो हैं और जो क्लाउड्स ऑफ डस्ट और गैसेस, ये सारी चीज़ें जब कंबाइन होती है, कंबाइन होकर एक बहुत बड़ा सा सिस्टम बनाती हैं, सो दैट इज़ नोन एज अ गैलेक्सी. तो सबसे पहले मैंने गैलेक्सी बताया है, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जिसमें कि बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, डस्ट के क्लाउड्स होते हैं और गैसेस होते हैं. दैट ऑल फॉर्म अप अ सिस्टम नोन एज गैलेक्सी. और जब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज एक साथ मिलती हैं तो दे फॉर्म अप अ यूनिवर्स, ठीक है. तो यहाँ पे जितने भी आंसर द फॉलोइंग थे, मैंने इसके सारे के सारे क्वेश्चंस को बताया, और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे समझ में यहाँ पर आए होंगे. नेक्स्ट, अब जो थ्योरेटिकल था वो फिनिश अप हो गया. अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास टिक द करेक्ट आंसर, मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस. ओके, द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज. अब अर्थ का जो ट्विन बोला जाता है वो कौन सा प्लैनेट है. मैंने आपको बताया था कि एक प्लैनेट है जिसका की शेप और जिसका की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है अर्थ के, राइट. एंड वो कौन सा प्लैनेट था, दैट वाज वीनस. तो द प्लैनेट विच इज नोन एज द अर्थ ट्विन इज वीनस, दिस प्लैनेट. ओके, दिस इज द आंसर. सेकेंड, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अब सन से सबसे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है थर्ड पोजिशन पे. सबसे पहले होता है मर्करी, वीनस एंड देन अर्थ. मर्करी इज द फर्स्ट पोजिशन, वीनस इज द सेकेंड और अर्थ इज द थर्ड पोजिशन. सो द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज अर्थ, ठीक है. नेक्स्ट, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन. अब जो भी जितने प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे प्लैनेट्स अर्थ के अराउंड किस पाथ में मूव करते हैं, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या फिर इलोंगेटेड. तो मूव करते हैं इलोंगेटेड पाथ में, मैंने आपको ये चीज भी बताई थी, राइट. नेक्स्ट, द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द. अब जो पोल स्टार होता है वो किस डायरेक्शन का होता है, मैंने इस पूरे चैप्टर में सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करी है, दैट इज द नॉर्थ डायरेक्शन. मैंने कहीं पे भी ना तो साउथ के बारे में बात करी है, ना तो मैंने ईस्ट के डायरेक्शन के बारे में बात करी. सो ऑब्वियसली जो पोल स्टार होता है वो सिर्फ एक डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, दैट इज माय नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है. तो यहाँ पे ये सारे के सारे एमसीक्यूज भी हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश अप इसको किया. नेक्स्ट, अच्छा एक और है यहाँ पे, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स. अब कौन से दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके ऑर्बिट्स के बीच में एस्टेरॉइड्स मिलते हैं, ठीक है. मार्स जुपिटर, सैटर्न जुपिटर या फिर अर्थ मार्स. अब अर्थ और मार्स के बीच में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि उसके बीच में कुछ भी नहीं होता है. नेक्स्ट है हमारा सैटर्न एंड जुपिटर. नो, मार्स एंड जुपिटर. द करेक्ट आंसर इज मार्स एंड जुपिटर. तो हम लोगों ने सोलर सिस्टम में देखा था, मैं वापस एक बार ऊपर ले जाती हूँ आपको या इसी पेज पे. तो ये था हमारा मार्स और यहाँ था हमारा जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में हमारी थी एस्टेरॉइड बेल्ट, ठीक है. तो यहाँ पर नीचे एस्टेरॉइड्स आर फाइंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है. अब नेक्स्ट, अब थर्ड टाइप की आप एक्सरसाइज आती है, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. ग्रेट, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश. अब कई सारे पैटर्न्स जब फॉर्म होते हैं, किस चीज के फॉर्म होते हैं तो फिर क्या बनता है. सबसे पहले हम लोगों ने इसको पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कि बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न्स बनाते हैं उनको बोलते हैं हम लोग कॉन्स्टिलेशन, राइट. अ ग्रुप ऑफ स्टार्स
which forms the pattern are known as constellation. Right. A huge system of stars. अब जो stars हैं उनका जो बहुत बड़ा सा system होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अब भी मैंने आपको few minutes पहले बताया था. We call that as a galaxy. So a huge system of stars is called as galaxy. ठीक है. Now dash is the closest celestial body to our earth. हमारे earth में सबसे ज़्यादा earth से सबसे ज़्यादा closest celestial body कौन सी है. Okay. तो जो जो सेलेस्टियल बॉडी जो सबसे ज्यादा हमारे अर्थ के क्लोजेस्ट है दैट इज द मून. दैट इज द मून. सो मून इज द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी टू आर अर्थ. राइट. दैट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अब इसको अभी हम लोगों ने राइट अबव सॉल्व किया था एमसीक्यूज में भी. तो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन के कौन सा है, दैट इज द अर्थ. अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन डैश एंड डैश. अब प्लैनेट्स के पास खुद की क्या नहीं होती है, प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड हीट. तो प्लैनेट्स के पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती है. राइट. ओके. वापस से मैं फिर द प्लैनेट्स में बता देती हूँ. तो अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड एज अ कॉन्स्टेलेशन. अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड गैलेक्सी. Moon is the closest celestial body to our Earth. Earth is the third nearest planet to the Sun. And planets do not have their own light and heat. ठीक है. तो इस तरीके से हमारे जो भी यहाँ पे fillings the blanks थे, इस तरीके से हम लोग ने सारे इसको finish up करा. ठीक है. तो जितनी भी हमारी exercises थी इस respective chapter में, तीन exercises थी. Answer the following questions. Take the correct answer. एंड फिल इन द ब्लैंक्स. इन सारी तीनों एक्सरसाइजेस को हम लोगों ने यहाँ पे फिनिश किया, इनको समझा. और अभी यहाँ पे जो थिंग्स टू डू और फन फॉर फन, ये सारी चीज़ों को आप एक बार अपने आप देख सकते हो. ठीक है. ग्रेट. तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ ज्योग्राफी होता है कम्प्लीटली फिनिश अप. हम लोगों ने इसको पूरा काफ़ी डिटेल में स्टडी आउट किया था, किया है एक्चुअली. इसकी समरी पढ़ी है और हम लोगों ने सस्पेक्टिव के एक्सरसाइजेस को भी सॉल्व आउट किया है. ठीक है. तो आज हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं. हम लोग इसके बारे में डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसकी समरी भी हम लोग कवर कर चुके हैं. तो उन सारे वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन मेंशन आउट है. आप जाकर उसमें अगर आपको इसको स्टडी आउट करना है या इसकी समरी स्टडी आउट करनी है तो आप जाकर इसको विजिट आउट कर सकते हो. ठीक है. ओके. ग्रेट. लेट्स गेट स्टार्टेड आउट. तो सबसे पहले मैं डायरेक्टली एक्सरसाइजेस पार्ट पर आती हूँ इस चैप्टर के. एंड एक्सरसाइज के जो फॉर्म्स हैं, तीन टाइप के फॉर्म्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैं इसमें. सेकेंड है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लाइक चूज करना है. एंड थर्ड इसमें है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है. तो ये थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस हैं. सो हम लोग सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे. ठीक है. अब स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि जो भी यहाँ पर आप क्वेश्चन सॉल्व आउट कर रहे हो, आप एक पहले एक की कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और सारे क्वेश्चंस को एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए खुद. ठीक है. आफ्टर दैट मैं तो आंसर्स यहाँ पे बता ही रही हूँ और आप उनको यहाँ पे सॉल्व आउट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो. बट एक बार अगर आप खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे सो यू विल गेट अ गुड ओवरव्यू, अ कम्प्लीट ओवरव्यू कि आपको हाउ मेनी क्वेश्चंस यू आर एबल टू सॉल्व एंड फॉर हाउ मेनी यू नीड आउट द प्रैक्टिस. ठीक है. ग्रेट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आप हियर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, माई फर्स्ट क्वेश्चन गोज स्टार्ट, वॉट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ. ओके. अर्थ का ट्रू शेप क्या है. मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ क्या, अर्थ जो होता है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों पोल्स पे फ्लैटन होता है, मतलब कि फ्लैट शेप में होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में. और सेंटर में अर्थ होता है बल्जी. राइट. मीन्स लाइक काफ़ी मतलब सर्कल शेप में जैसे होता है तो उसी तरीके से सेंटर में अर्थ बल्जी होता है और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के टुवर्ड्स में फ्लैटेंड होता है. तो यही होता है अर्थ का ट्रू शेप. ठीक है. फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स एंड बल्जी इन द सेंटर. ठीक है. ग्रेट. व्हाट इज अ ग्लोब. ओके. अब ये क्वेश्चन व्हाट इज अ ग्लोब. ग्लोब क्या होता है एक्चुअली. अर्थ का आप बोल लो कि अर्थ की एक कॉपी. राइट. ग्लोब एक रिस्पेक्टिव लाइक अर्थ की कॉपी होती है दैट वी हैव. तो उसमें क्या होता है, सेंटर पे वी हैव अ एक्सिस, वो टिल्टेड शेप में होता है और उसी एक्सिस के हेल्प से ग्लोब पूरा रोटेट करता है. बट रियल में अर्थ में ऐसी कोई भी एक्सिस नहीं होती है. व्हाटएवर वी हैव सब इमेजिनरी लाइंस होती हैं.
ठीक है, ऐसा मैंने कह रही हूँ कि एक्सेस नहीं होती है, बट वो इमेजिनरी लाइन होती है रियल में, जैसे ग्लोब में एक्सेस लाइक पॉइंट आउट होती है, उसके पूरे लाइक रोटेट करता है अर्थ तो उसके उसके लाइक एक्सेस के उस पर, बट राइट एंड मतलब सेम उसमें अर्थ में ऐसी चीज़ें नहीं होती। तो ग्लोब आप बोल सकते हो कि एक मिनिएचर होता है अर्थ का, ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मिनिएचर ऑफ द ग्लोब। मैं इसको लिख देती हूँ यहीं पे, मिनिएचर ऑफ अर्थ, ठीक है, ग्रेट। अब ओके, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू क्या होती है? ओके, जितनी भी वैल्यूज मैंने आपको पढ़ाई थी इस रिस्पेक्टिव में, होप सो आपने उनको यहाँ पे रिमेंबर आउट किया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ आप उसको रिमेंबर आउट कर ले, बिकॉज इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं और अभी फर्दर हम लोग के फिल इन द ब्लैंक्स में भी इस तरीके के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐसा बता देती हूँ, दैट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, ये रिस्पेक्टिव होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। एक सेकेंड, मैं आपको डायग्राम पे लेके चलती हूँ जहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन थी, वहाँ पे शायद से आप इसको एक बार रिकॉल और कर पाएंगे, यहाँ पे वन सेकेंड, और या राइट हियर, ठीक है। आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लैटिट्यूडनल वैल्यू, तो ये हमारे लैटिट्यूड्स थे राइट, और ये है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सो व्हाट इज द वैल्यू? वैल्यू इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पूछता, सो इन दैट केस इट वॉज टू बी 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ग्रेट। ओके, व्हाट आर द थ्री हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? अब अर्थ के थ्री हीट जोन्स कौन से होते हैं? वी हैव थ्री डिफरेंट, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड द फ्रिजिड जोन। तो मैं यहाँ पे तीनों को लिख देती हूँ, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, टेम्परेट, वन सेकेंड, टेम्परेट जोन एंड नेक्स्ट कोर्स या फ्रिजिड जोन। सो इन सबको हम लोग कैसे बताते हैं कि लाइक टॉरिड जोन कहाँ पे है, टेम्परेट जोन? सो या हम लोग उसको भी लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के हेल्प से ही डिनोट भी करते हैं कि रिस्पेक्टिवली टॉरिड जोन कहाँ है, फ्रिजिड जोन कहाँ है, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डायग्राम था, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स, सो इसमें देखिए इधर पे है फ्रिजिड जोन, ठीक है, देन गोज योर टॉरिड जोन, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे टॉरिड जोन, और यहाँ पे है आपका टेम्परेट जोन। तो जितने भी जोन्स हैं दोनों पोल्स पे हैं, लाइक नॉर्थ पोल के लिए भी है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए, सदर्न हेमिस्फीयर दोनों के लिए है, सिंपली नॉर्थ और साउथ वैल्यूज चेंज होती हैं, जस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ठीक है, ग्रेट। तो ये तीन थे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है। व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? अब पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ठीक है, पैरेलल्स, अच्छा, जैसे कि जितने पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर से जो कि पोल की तरफ जाते हैं, ठीक है, पैरेलल सर्कल्स होते हैं जो कि इक्वेटर के अबव होते हैं, मतलब डाउन साइड भी होते हैं, दोनों साउथ साइड्स पे होते हैं, लेट्स से अबव का हम लोग लेते हैं, जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर के जो कि पोल्स की तरफ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, दोनों पोल्स की तरफ वो जाते हैं, राइट, तो दैट वी कॉल एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं? ये एक रेफरेंस लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ड्रॉ कर जाते हैं, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो लाइंस ऑफ रेफरेंस ड्रॉ करी जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। मैं आपको इसका एक एग्जांपल यहाँ पर अबव जो डायग्राम्स बने थे उसमें से मैं आपको दे सकती हूँ, वन सेकेंड, राइट या अब ये ओके एक सेकेंड, ठीक है, ये हमारी इक्वेटर इज 2.2 डायग्राम है, ठीक है, इक्वेटर है हमारी। अब इसे जैसे कि ऊपर की तरफ ये जो सर्कल्स जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जो सर्कल्स आपके यहाँ पे जा रहे हैं, ये दीज आर रिस्पेक्टिवली नोन एज द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है, यही होते हैं। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में लिखी है इस जगह पे, ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। और अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड्स की यहाँ पर बात करें तो या दिस इज योर लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, जो कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल लाइन ऑफ रेफरेंसेस होती हैं, दैट आर योर लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। सो होप सो ये आपको क्लियर होगा यहाँ पे, ग्रेट। ओके, दिस इज डन। व्हाई डज अ टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? अब जो टॉरिड जोन है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट क्यों रिसीव होती है? क्यों? क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होती है, तो इसमें क्या होता है, जो सन होता है वो एग्जैक्टली
मतलब एक ईयर में एग्जैक्टली आपके हेड के अबव होता है, ठीक है। तो जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, जितने भी इन दोनों ट्रॉपिक्स, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जितने भी लैटिट्यूड्स इनके बीच में हैं, तो दे रिसीव आउट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है। तो मैं इसको एक बार डायग्राम पे भी आपको शो कर देती हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर होगा। वन सेकेंड, राइट, चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी टॉरिड जोन है, दिस रिसीव्स आउट द मैक्सिमम हीट, क्योंकि इसमें वन टाइम अ ईयर जो सन होता है वो आपके हेड के अबव होता है, जिस तो वहाँ पे जो भी पोर्शंस होते हैं वहाँ पे आपको मैक्सिमम हीट रिसीव आउट होती है, ठीक है, ग्रेट। ओके, नेक्स्ट कोर्स आर, वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। अब ये टाइम डिफरेंस का क्वेश्चन है कि 5:30 PM इंडिया में और 5:30 PM इंडिया में, 12 noon लंदन में, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज लाइक डिफरेंस, ठीक है। इंडिया जो है वो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच में लोकेटेड है, राइट, दैट इज लोकेटेड एट ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, जो कि जिसके जिसके डायमेंशंस क्या होती है, 82 degree 30 minute ईस्ट। मैं इसको यहाँ पे लिखती हूँ सबसे पहले, 82 degree 30 minute ईस्ट। अब ये डिग्री का मैंने साइन ये बनाया, और मैंने जो ऐसे यहाँ पे डैश बनाया है ऊपर, ये मिनट है, ठीक है। अब राइट, तो जो इंडिया है वो ईस्ट ऑफ ग्रीनविच पे लोकेटेड है, जो कि 82 degree 30 minutes ईस्ट पे है, ठीक है। इसका मतलब कि ये 5 hour 30 minutes आगे चलता है GMT से, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। तो ये 5 hours 30 minutes आगे चलता है GMT से। तो जब इंडिया में 5:30 PM हो रहा होगा, तब लंदन में 12 noon होगा, बिकॉज टाइम डिफरेंस यहाँ पे होता है 5 hours 30 minutes, हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि लाइक डिफरेंस होता है टाइम का यहाँ पे, 5:30 PM इंडिया में और 12 noon इन लंदन, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट कोर्स, अब हम लोग को यहाँ पे टेक द करेक्ट आंसर्स वाले क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन, अब प्राइम मेरिडियन की वैल्यू क्या होती है, राइट। सो इस रिस्पेक्टिव मैंने बहुत डिटेल में आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू होती है यहाँ पे 0 degree, ठीक है। द वैल्यू फॉर द प्राइम मेरिडियन इज द 0 degree, ठीक है। द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन पोल्स के नियर लाया करता है इक्वेटर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब मैंने जब आपको चैप्टर पढ़ाया था, तब मैंने बताया था कि फ्रिजिड जोन जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, वहाँ पे लाइक वहाँ पे ठंडा, मतलब सीजन जो होता है, मतलब ठंडी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, क्यों, क्योंकि वो एकदम पोल्स के पास एकदम होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो वहाँ पे जो हीट है बहुत कम पहुँच पाती है, इसी वजह से वहाँ पे जो लाइक सीजन होता है बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, राइट। जब मैंने ये बताया, तब मैंने क्या बताया था कि पोल्स के पास होता है, राइट। तो फ्रिजिड जोन होता है वो पोल्स के नियर होता है, नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, ग्रेट। द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, अब इन टोटल कितने नंबर ऑफ, कितने लॉन्गिट्यूड्स वी हैव इन टोटल 360, ठीक है। द एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन, अब जो एंटार्क्टिक सर्कल है वो किस पे लोकेटेड रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर की ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एंटार्क्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन योर सदर्न हेमिस्फीयर। अभी राइट अब मैंने डायग्राम दिखाया था, उसमें मैंशन था कि एंटार्क्टिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ, अब ग्रिड किस चीज़ का नेटवर्क होता है, पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो जो ग्रिड होता है वो आपका नेटवर्क होता है पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का। मैं इस चीज़ को आपको दिखा भी देती हूँ ऊपर एग्जाम्पल में भी, ये दिस वन एग्जाम्पल, ठीक है। तो पैरल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड्स, इसका रिस्पेक्टिवली यहाँ पे होता है ये ग्रिड, ओके। और एक और हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, उसको भी यहाँ पे शो कर देती हूँ, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे हम लोगों ने एंटार्क्टिक सर्कल डिस्कस किया था, तो दैट इज साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है, साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर, ग्रेट। दिस इज कम्प्लीटली सॉल्व्ड, ओके, ये हमारे MCQs हो गए। अब लास्ट हमारा एक्सरसाइज बचती है फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। अब यहाँ पे जनरली ये सारे के सारे वही पूछ रहा है लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कोर्स आर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, क्या डायमेंशंस होती है, क्या डिग्री होती है। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की डिग्री होती है 23.5 degree साउथ एंड नॉर्थ, इट्स साउथ, ठीक है। अभी नॉर्थ ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, राइट, नॉर्थ के बारे में भी ऊपर बताया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था वो, तो कैप्रिकॉर्न साउथ में, ठीक है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज क्या क्या डिग्री होती है, दैट इज 82.5 degree east, ठीक है।
तो 82.5 डिग्री ईस्ट, और यहाँ पे लॉन्गिट्यूड एज वेल, लॉन्गिट्यूड। अब ईस्ट है तो ऑब्वियसली लॉन्गिट्यूड ही होगा, बट इफ़ यू वॉन्ट यू कुड राइट दैट एज वेल। ठीक है, जब जब साउथ नाउथ और नॉर्थ और साउथ की बात होती है तब होते हैं लैटिट्यूड्स, ईस्ट वेस्ट इज योर लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, 0 डिग्री मेरिडियन को और हम लोग क्या बोलते हैं, अभी राइट अबव मैंने एमसीक्यूज में डिस्कस की थी इस चीज को, 0 डिग्री मेरिडियन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, MERIDIAN। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स, अब जो लॉन्गिट्यूड्स का डिक्रीज लाइक डिस्टेंस है वो किस तरफ डिक्रीज करता है, पोल्स के तरफ पे, राइट, पोल्स के तरफ पे डिस्टेंस जो होता है लॉन्गिट्यूड्स का वो डिक्रीज करता है, राइट। अब आर्कटिक सर्कल किस हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, आर्कटिक सर्कल इज इन योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि अभी राइट अबव एमसीक्यूज में मैंने डिस्कस किया था कि एंटार्कटिक सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में, सो ऑब्वियसली आर्कटिक सर्कल जो होगा वो होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, ग्रेट, सो हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की, राइट। सो हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, इवन हम लोग इसके समरी को स्टडी आउट कर चुके हैं, तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की एक्सरसाइजेस, तो हम लोग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उनके एग्जैक्ट आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, आप उसमें जाकर चैप्टर नंबर 4 को रेफर आउट कर सकते हो। ग्रेट, ओके, राइट हियर। सो मैं सबसे पहले एक तो नीचे चलती हूँ जहाँ पर एक्सरसाइजेस हैं इस चैप्टर की, एट दिस पोजिशन। ओके, सो एक्सरसाइज में यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली है, और दूसरा है आपका टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो टू टाइप्स के यहाँ पर हैं, नेक्स्ट है कि आपको थिंग्स टू डू है तो ये आप अपने आप करिएगा, और फॉर फन भी आप उसको अपने आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 गोज दैट व्हाट आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ मैप। अब मैप के 3 कंपोनेंट्स क्या हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप आर सिंबल, डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस। यहाँ पर देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द मैप, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक चीज इसको, यहाँ पर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, नेक्स्ट वी हैव द डायरेक्शन एंड वी हैव द सिंबल्स। ओके, मैं इसको एक सेकेंड इरेज करती हूँ सबसे पहले, एंड हियर गोज वन सेकेंड, एंड हियर गोज माई सिंबल्स। ठीक है, तो ये 3 रिस्पेक्टिव कॉम्पोनेंट्स होते हैं मैप के, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। डिस्टेंस मतलब कि किस रिस्पेक्टिव प्लेस का डिस्टेंस, डायरेक्शन किन डायरेक्शंस में और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसमें, और सिंबल्स यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें को डिनोट करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। ओके, 4 कार्डिनल डायरेक्शंस क्या थी, अच्छा हम लोगों ने कार्डिनल पढ़ा था और इंटरमीडिएट पढ़ा था, राइट। कार्डिनल डायरेक्शंस जो थी वो मेन डायरेक्शंस थी, सो फर्स्ट वन इज माई नॉर्थ, सेकेंड वन इज माई साउथ, थर्ड वन इज माई ईस्ट, एंड नेक्स्ट आई हैव हियर द वेस्ट। सो अगर आप इनको शॉर्ट फॉर्म्स में लिखो तो भी चलेगा, नॉर्थ साउथ, वन सेकेंड, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ठीक है, दीज आर माई कार्डिनल डायरेक्शंस, और अगर मैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस की बात करें तो इधर गोज माई इंटरमीडिएट, अगर इंटरमीडिएट की बात करें तो इट वॉज नॉर्थ वेस्ट कॉमा नॉर्थ ईस्ट, इट वॉज साउथ वेस्ट कॉमा साउथ ईस्ट। ये थी हमारी इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, मैं आपको वापस ऊपर डायग्राम में दिखा देती हूँ इस चीज़ को, मे बी आप इसको रिकॉल कर पाओ, राइट। सो कार्डिनल पॉइंट्स थे हमारे यहाँ पे नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, दिस वन, दिस सेकेंड, दिस थर्ड एंड दिस फोर्थ। और नाउ इफ यू टॉक अबाउट द इंटरमीडिएट डायरेक्शन, सो इट वॉज नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट। ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, वन सेकेंड, यहाँ पर ओके, राइट हियर। नेक्स्ट कोर्स द, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म द स्केल ऑफ अ मैप। अभी जो टर्म है स्केल ऑफ अ मैप, व्हाट डू यू मीन फ्रॉम दिस रिस्पेक्टिव टर्म स्केल ऑफ अ मैप। अच्छा, स्केल ऑफ अ मैप हम लोगों ने इसके डेफिनेशन पढ़ी थी कि दैट इज द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप, राइट, हम लोगों ने पढ़ा था। तो आई एम गोना राइट आउट द रेशियो बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस, बिटवीन एक्चुअल डिस्टेंस
and the distance on map. ठीक है, तो जो रेशियो हमारा होता है एक्चुअल डिस्टेंस जो कि हमारी ग्राउंड पे होती है और जो डिस्टेंस हमारी मैप पे होती है उसका बीच का रेशियो वी कॉल दैट एज अ स्केल ऑफ द मैप. तो हम लोगों ने देखा था कि एक एग्जांपल ही पढ़ा था हमने कि अगर लेट्स से कि योर हाउस आपका इस घर से स्कूल तक का रास्ता 10 किलोमीटर्स का है तो आप उसमें स्केल लेने वाले हो 2 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर इज गोना रेफर योर फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड सेंटीमीटर इज गोना रेफर आउट योर सेकेंड हाफ. राइट, जिस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था. तो स्केल ऑफ द मैप मीन्स द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस ऑफ मैप. ठीक है, नेक्स्ट पोज माई क्वेश्चन नंबर 4 दैट हाउ आर मैप्स मोर हेल्पफुल दैन अ ग्लोब. अब ग्लोब से ज़्यादा मैप्स हम लोग को कितने ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. देखिए, मैप जो होता है वो क्या होता है, वो एक रिप्रेजेंटेशन होता है अर्थ के सर्फेस का या अर्थ या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का. लाइक तो इसको हम लोग एक अकॉर्डिंग एक स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं फ्लैट सर्फेस पे. बट और लाइक और जो ग्लोब्स होते हैं तो ग्लोब्स भी ठीक होते हैं बट इन दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी. राइट, क्योंकि उसमें लाइक इट इज़ ऑफ अ स्फीयर स्फेरिकल शेप. सो स्फेरिकल शेप की वजह से लाइक लेट्स से कोई रिस्पेक्टिव प्लेस एकदम साउथ पोल पे है. सो टिल्टेड डायरेक्शन में होता है तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू वॉच कि वहाँ वो प्लेस कहाँ पर है. राइट, सो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं कि जो मैप्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं दैन अ ग्लोब. ठीक है, क्योंकि इसमें हम लोग चीज़ें ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं और रिस्पेक्टिवली. ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन द मैप एंड द प्लेन. ओके, सो अच्छा डिफरेंसेस मैप और प्लेन के बीच में. अब जो मैप होता है वो अर्थ के सर्फेसिस का रिप्रेजेंटेशन होता है. राइट, एंड वॉट इज अ प्लान. प्लान जो होता है वो किसी स्मॉल एरिया का एक ड्राइंग होता है जिसको हम लोग लार्ज स्केल में करते हैं. ठीक है, किसी लार्ज स्केल में जो हम लोग स्मॉल एरिया का जो भी ड्राइंग वगैरह करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेन. ठीक है, मैप्स क्या होते हैं, मैप्स हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं किसी भी लार्ज पोर्शन ऑफ द अर्थ की. किसी भी अर्थ का जो लार्ज पोर्शन होता है मैप उसके हमको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देते हैं. और जो प्लान होता है, प्लान हमको एक लाइक एक सर्टेन स्मॉल एरिया की एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो इन दैट केस हम लोग दीज वर द डिफरेंसेस जो आप मैप और प्लान के बीच में कह सकते हो. ठीक है, विच मैप्स प्रोवाइड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन. अब डिटेल इन्फॉर्मेशन को कौन सा मैप प्रोवाइड करते हैं, दैट आर योर लार्ज स्केल मैप्स. लार्ज स्केल मैप्स आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं. ये मैं आपको वापस उसी जगह लेके चलती हूँ, वहीं पर आपको बता दूंगी, इट विल बी ईजियर टू रिकॉल. राइट हियर. ठीक है, तो हम लोगों ने लार्ज स्केल मैप्स के लिए पढ़ा था कि जब स्मॉल एरियाज होते हैं लाइक विलेजेस या फिर टाउन्स जिनको कि हमको पेपर पे शो करना होता है और उसके लिए हम लोग लार्ज स्केल यूज करते हैं बिकॉज छोटे एरियाज को पेपर में शो करना ईजी होता है. तो इन दैट हम लोग लार्ज स्केल्स को भी यूज आउट कर सकते हैं. तो इन दैट केस वो होते हैं हमारे लार्ज स्केल मैप. अब लार्ज स्केल मैप्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है रादर दैन स्मॉल स्केल. क्यों, स्मॉल स्केल्स जो होते हैं वो काफ़ी लार्ज एरियाज के लिए होते हैं लाइक कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज. तो उसके लिए जो स्केल होता है वो आपको काफ़ी छोटा लेना पड़ता है पूरे एरिया पूरे सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज के एरिया को दिखाने के लिए. राइट, बट ऐसे लार्ज स्केल में मैप में तो नहीं होता है. सो इन दैट केस जो लार्ज स्केल मैप होता है वो हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है रादर दैन ए स्मॉल स्केल. सो दैट इज़ द रीज़न कि वी से कि कौन सा मैप हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, दैट इज़ अ लार्ज स्केल मैप्स. राइट, नेक्स्ट है कि हाउ डू सिम्बल्स हेल्प यू इन रीडिंग द मैप. अब जो सिम्बल्स होते हैं वो मैप रीड करने में आपकी कैसे हेल्प करते हैं. ओके, सो दैट केस अब देखिए सिम्बल्स जो होते हैं, सिम्बल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दे रिप्रेजेंट आउट द रोड्स द ब्रिजेस द रिवर्स दैट यूज करते हैं.
इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, ओके. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी करेक्ट आंसर्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लोकेट करेंगे. ओके, सो वन सेकेंड. ओके, जितने भी हमारे करेक्ट आंसर्स हैं तो उनको सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लोकेट करेंगे एंड वी आर गोना टिक द करेक्ट आंसर्स जो भी हमारे हैं उनको. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आ. अब ऐसे कौन से मैप्स हैं जो कि हमको फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं. सो फिजिकल मैप, थीमेटिक मैप्स और पॉलिटिकल. फिजिकल मैप्स हमको शो करते हैं जो भी हमारे रिस्पेक्टिव, जैसे कि जो भी नेचुरल प्लेसेस होते हैं अर्थ में, जो भी नेचुरल थिंग्स होती है अर्थ में, वो रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक माउंटेन्स, रिवर्स, ऑल दोज थिंग्स. पॉलिटिकल मैप्स हमको विलेजेस, टाउन्स, सिटीज, स्टेट्स, कंट्रीज, कंट्रीज बॉर्डर्स, ये सारी चीज़ रिप्रेजेंट करती हैं, राइट. एंड थर्ड गोल जो थीमेटिक मैप्स, और थीमेटिक मैप्स क्या होते हैं, वो फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को थीमेटिक मैप्स यहाँ पर रेफर आउट करते हैं. सो इन दिस आंसर इज थीमेटिक मैप्स. नेक्स्ट कोर्स दैट द ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग. अब जो ब्लू कलर है उसको आप किस किस चीज़ को शो करने के लिए यूज करते हो, द वाटर बॉडीज, द माउंटेन्स. ओके, तो जो हमारे यहाँ पे जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर इज यूज फॉर शोइंग. अब जो ब्लू कलर है यहाँ पे वो हमको क्या, एक सेकंड, मैं पहले सबसे पहले आंसर टेक कर देती हूँ. ठीक है, अब जो ब्लू कलर है वो हम लोग को क्या हेल्प करता है शो करने में, वी ऑलवेज रेफर दैट द ब्लू कलर इज फॉर द वाटर बॉडीज लाइक रिवर्स एंड लाइक टैंक, इन सब चीज़ों के लिए, राइट. नेक्स्ट, अ कंपास इज यूज टू शो सिम्बल्स टू फाइंड द मेन डायरेक्शन टू मेजर द डिस्टेंस. अब कंपास किस लिए यूज होता है, so we use the compass for to show up the main direction, right, whatever the direction is there, उसके लिए हम लोग यहाँ पर direction को find out करने के लिए, direction को show करने के लिए we use the compass, right. next course that okay to find the main direction, right, yes. next course fourth question हमारा, the scale is necessary. अब scale किसके लिए necessary होता है, map के लिए, sketch के लिए और for the symbols. सो स्केल जो होता है वो हमारा मैप के लिए नेसेसरी होता है, बिकॉज हम लोग मैप में स्केल लाइक पॉइंट आउट करते हैं और इन दैट केस हम लोग यहाँ पर कुछ स्केल्स मेजर करते हैं, उसी के थ्रू हम लोग मैप में प्लेसेस वगैरह को लोकेट आउट करते हैं, राइट. ग्रेट, तो यहाँ पे हम लोगों ने इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की एक्सरसाइज को भी कम्प्लीटली सॉल्व आउट कर लिया. ग्रेट, तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पे आपने एक्सरसाइज को मेरे साथ सॉल्व किया होगा, अगर नहीं किया है आपने तो आप बाद में भी कर सकते हो एक्सरसाइज को सॉल्व. तो आज हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की हम लोग एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं. इस चैप्टर का डिटेल्ड वीडियो एंड इवन द समरी ऑफ दिस चैप्टर मैं ऑलरेडी इसको बना चुकी हूँ और वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एड अप हो चुके हैं और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन आउट है. आप जाके वहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हो अगर आपको इसका डिटेल वीडियोस या फिर समरी वीडियो चाहिए. ओके, सो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर. तो आई वोंट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम और मैं आपको वापस से यहीं पे एक्सरसाइजेस की तरफ डायरेक्टली लेकर के चलूंगी. ठीक है, ओके, सो हियर फाइन, हियर कम्स द एक्सरसाइजेस. ठीक है, हम लोग एक क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द मेन 4 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. अब अर्थ के 4 मेन डोमेन्स कौन से हैं. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के 4 मेजर डोमेन्स जो हैं वो है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव हियर लिथोस्फियर,
lithosphere. Then we have atmosphere. Lithosphere. Then we have atmosphere. Then what we had? We had the biosphere, right? Or last we had the hydrosphere. So hydrosphere. Okay. एक सेकंड में कलर डायरेक्शन चेंज कर दूँ इसका. ब्लू वेस आर डार्क ब्लू. डन. फाइन. सो फोर मेजर डोमेन सर्च के जो है दोज आर योर बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर. तो ये चार डोमेन्स थे यहाँ पे अर्थ के, लाइक फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ. ठीक है, ग्रेट. अब नेक्स्ट वॉज दैट वॉट आर द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. नेम द मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ. ओके, तो मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, हम लोगों ने सेवन मेजर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ को स्टडी किया था. दैट वर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड द एंटार्क्टिका, राइट. इनको हमने स्टडी किया था. मैं ऊपर लेके चलती हूँ आपको, और जहाँ पे स्टडी किया था वही जगह यहाँ पे ये मैं पोर्शन यहाँ पे स्क्वेयर किया. ठीक है, तो ये है सेवन कॉन्टिनेंट्स, लाइक यहाँ पे द सेवन कॉन्टिनेंट्स, मेजर कॉन्टिनेंट्स, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. ठीक है, सो होप आपको इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर मिल गया होगा. लेट मी गेट डाउन वन सेकेंड. फाइन, दिस नंबर डन. गोज अ थर्ड नेम द टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. अब ऐसे दो कॉन्टिनेंट्स का नाम बताइए जो कि कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. सो हम लोगों ने इसको पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया एंड सेकेंड गोज योर एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका. ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका, बोथ ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, राइट. सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन गोज दैट नेम द डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में बताइए. अच्छा, हम लोगों ने फाइव लेयर्स के बारे में पढ़ा था, राइट. दोज वर ट्रोपोस्फीयर, स्ट्राटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर और एग्जोस्फीयर. ये कहाँ पढ़ा था, मैं आपको वापस से उस जगह लेके चलती हूँ और वहीं पे आंसर को हाईलाइट कर दूंगी. ठीक है, ओके, हियर वी गो. तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दीज लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सर्फेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एग्जोस्फियर. तो ये हैं फाइव लेयर्स अर्थ की. ठीक है, तो ये आंसर डन. दैट इज क्वेश्चन नंबर थ्री डन और फोर डन. ओके, व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. अब अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वॉटर. Rest 29% of the earth is covered with the human life or rest of the things, but 71% of the earth is covered with the water bodies. So that is the reason कि हम लोग earth को blue planet कहते हैं. ठीक है, this done. Why is the northern hemisphere called the land hemisphere? अब northern hemisphere को हम लोग land hemisphere क्यों कहते हैं, right? The reason कि हम लोग northern hemisphere को land hemisphere इसलिए कहते हैं क्योंकि लैंड मासेस का जो मेजर पार्ट है वो लाई करता है नदन हेमिस्फीयर में. द नदन हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज द लैंड हेमिस्फीयर बिकॉज अ मेजर पार्ट ऑफ लैंड मासेस लाई इन इट. तो मैं इसको लिख देती हूँ मेजर पार्ट ऑफ लैंड मासेस लाई इन इट. ठीक है, लैंड मास का जो मेजर पार्ट है वो इसमें लाई करता है. इस रीजन से हम लोग नदन हेमिस्फीयर को लैंड हेमिस्फीयर कहते हैं. व्हाई इज द बायोस्फीयर इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, व्हाट इज द रीजन. सो क्योंकि एक्चुअली तीन मेजर कॉम्पोनेंट से लाइफ एग्जिस्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लैंड, एयर एंड वाटर. और ये जो लैंड, एयर एंड वाटर है, तीनों की प्रेजेंस जो है वो ज़रूरी है. एंड जो ये तीनों चीज़ें हैं, लैंड, एयर, वाटर, सो बायोस्फीयर जो है वो कॉम्प्रोमाइज करता है इन तीनों रिस्पेक्टिव चीज़ों को, लैंड, एयर एंड वाटर. तो इसी वजह से वी से दैट बायोस्फीयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये मैंने डिस्कस किया है, मैं आपको वापस से वहाँ जो के लेके चलती हूँ, राइट.
बायोस्फीयर, यहाँ पे हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था, मैंने हाईलाइट भी करा है. द बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड द एयर. लैंड वाटर और एयर के बीच में एक नैरो कॉन्टैक्ट ऑफ द जोन है. ठीक है, सो वन सेकेंड, डन. ग्रेट. सो जितने भी हमारे क्वेश्चन थे यहाँ पे आंसर आउट करने के लिए, सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने आंसर आउट कर लिया है. फोर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर. कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ, हम लोगों ने 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द अर्थ पढ़े हैं. टू कॉन्टिनेंट्स दैट लाई एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका. डिफरेंट लेयर्स, 5 टोटल लेयर्स हम लोगों ने एटमोसफियर की पढ़ी है. अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं, बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. Why is southern hemisphere called the land hemisphere? Because major part of the land masses lie in it. And why is biosphere important for living organisms? Because it constitute land, air and water. ठीक है? Next, अब यहाँ पे हम लोग like take the correct answers MCQs. The mountain range that separates Europe from Asia. अब ऐसी कौन सी माउंटेन की रेंज है जो कि यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है. सो अब इस रिस्पेक्टिव के लिए हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइक जो माउंटेन रेंज जो यूरोप को एशिया से सेपरेट करती है, दैट वॉज द यूरल्स. वन सेकेंड, मैं रीज़न बताती हूँ कि रेस्ट टू आंसर्स क्यों नहीं होंगे, क्योंकि हिमालयस के बारे में नहीं था. दैट वॉज इन द यूरोप फॉर एशिया. और एंड्स एक्चुअली एक ये रिवर का था. यहाँ पे मैं इसको एक सेकेंड उसी प्लेस पे लेकर चलती हूँ आपको, जहाँ हम लोगों ने एंड्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, एंड्स जो था वो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन है, जो कि लेंथ है साउथ से नॉर्थ टू साउथ, इसलिए एंड्स नहीं है. और यूरल्स जो था वो एक्चुअली यहाँ पे पार्ट करता था. ठीक है, द यूरल्स सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया. द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक टू साउथ अमेरिका बाय अ. अब जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट है वो साउथ अमेरिका से कैसे लिंक है, कैनाल नहीं, स्ट्रेट नहीं, एंड इस्थमस. मैंने इस्थमस के आपको डायग्राम में भी यहाँ पे बताया था, डायग्राम में मैंने आपको शो किया था कि इस्थमस क्या होता है. ये एक रिस्पेक्टिव नैरो लेयर होती है, एक नैरो प्लेस होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से लिंक करता है, इस्थमस. ठीक है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोसफियर बाय परसेंट इज. एटमोसफियर का जो मेजर परसेंट है और मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एटमोसफियर का अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज क्या है, दैट इज द नाइट्रोजन. राइट, हियर गोज द नाइट्रोजन. ठीक है, द डोमेन ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड रॉक्स इज कॉल्ड. अब अर्थ का कौन सा डोमेन सॉलिड रॉक्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, सो हम लोगों ने इसके लिए पढ़ा था दैट द वन विच कॉन्स्टिट्यूट इज द लिथोस्फियर. राइट, एटमोसफियर गैसेस कॉन्स्टिट्यूट करता है, हाइड्रोस्फियर वाटर और लिथोस्फियर सॉलिड रॉक्स. विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया. एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. राइट, अफ्रीका सेकेंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मॉल कॉन्टिनेंट. ओके, ग्रेट. सो ये MCQs भी हम लोगों ने यहाँ पर फिनिश अप कर लिए. नेक्स्ट कोर्स फिल इन द ब्लैंक्स. The deepest point on the earth is dash in the Pacific Ocean. अब deepest point earth में कौन सा है Pacific Ocean में, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि ये 11,022 meters deep है. और what is the name for that? Name for that is Mariana Trench. TRENC. Spelling अगर wrong हो तो आप लोग देख लीजिएगा. ठीक है, deepest point on the earth is the Mariana ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है और जिसका कि कितने मीटर्स डीप है, 11,022, याद रखिएगा. ठीक है, द डैश ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री. सिर्फ एक आज तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नेम से रखा गया है, एंड दैट इज द इंडियन ओशन. तो किस कंट्री पे है, इंडिया. ठीक है, द डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ. अब डैश इज अ नैरो कॉन्टैक्ट जोन ऑफ लैंड वाटर एंड अर्थ. इसका आंसर अभी हम लोगों ने ऊपर मार्क किया था, एक सेकेंड, नॉट हियर. हम लोगों ने इसका आंसर यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग में पढ़ा था. राइट, हम लोगों ने लास्ट आंसर देखा था कि बायोस्फीयर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ लैंड वाटर एंड एयर. और सेम यहीं पर पूछा गया, सो आंसर इज बायोस. ये सिंपली क्वेश्चन को बस थोड़ा सा चेंज करा गया है, बट एब्सोल्युटली द आंसर इज सेम. ठीक है,
the continents of Europe and Asia together are known as. अब जो यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट्स जो एक साथ होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, यूरेशिया, EURASIA, यूरोप का यूर और एशिया का एशिया. ठीक है, यूरोप प्लस एशिया इज इक्वल टू यूरेशिया. और द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ, अर्थ पे जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है दैट इज इन द माउंट माउंट एंड हियर गोज द एवरेस्ट. इट इज समवॉट 8000 समवॉट मीटर्स, राइट. ऊपर हम लोगों ने इसको पढ़ा था, मैं इसको एक बार लेके चलती हूँ उसी प्लेस पे, यहाँ पढ़ा था हम लोगों ने. 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल. ठीक है, हाइएस्ट माउंटेन पीक इज ऑफ द माउंट एवरेस्ट विच इज 8848 मीटर्स अबव द सी लेवल, राइट. ग्रेट, सो थिंग्स टू डू, ये आप अपने आप कर सकते हो, मैप स्किल्स पे अपने आप कर लीजिएगा. ग्रेट, सो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कर लिया था. सबसे पहले आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन गोज द टिक द करेक्ट आंसर, देन गोज द फिल इन द ब्लैंक्स, राइट. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और इवन आपने एक्सरसाइजेस मेरे साथ सॉल्व करी होंगी. ठीक है, ग्रेट. तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर नंबर 5 फिनिश ऑफ क्लास 6 ज्योग्राफी एंड फ्रॉम द बुक विच इज NCERT. हम लोग आप इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की आज यहाँ पर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे. इस चैप्टर को हम डिटेल में ऑलरेडी स्टडी आउट कर चुके हैं पहले, इसकी समरी को भी स्टडी आउट कर चुके हैं. तो आज हम लोग इसके एक्सरसाइजेस को यहाँ पर सॉल्व आउट करेंगे. आप एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप एक बार यहाँ पर वीडियो को यहीं पर पॉज करें और एक्सरसाइज को एक बार खुद सॉल्व करके ट्राई आउट करें कि जितना भी आपने स्टडी आउट किया है तो उसमें से आप कितना कितने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चन में करेक्ट है, राइट. तो उससे आपको एक खुद का ओवरव्यू मिलेगा कि अभी आपको और कितनी मेहनत करनी है रिस्पेक्टिव चैप्टर पे. ठीक है, आगे मैं सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगी तो आप उससे अपने अपने लाइक जो भी आपने क्वेश्चन के आंसर्स रुके हैं उससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड आउट हियर. सो अगेन इसमें हम लोग के 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होंगे. सबसे पहले होगा आंसर द फॉलोइंग, देन होगा योर MCQs एंड देन कम्स योर फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो इन तीनों को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे. Let's start with the first type, that is answer the following questions briefly. What are the major landforms? My first question goes that what are the major landforms? हम लोग ने 3 major landforms के बारे में पढ़ा था. What were those? मैं color लेके इसको यहाँ पे एक बार पूरा लिख भी देती हूँ ढंग से. So first were your mountains. Yes. Second one were your plateaus. ओके एंड थर्ड वर योर प्लेन्स. ठीक है, सो दीज वर द 3 टाइप्स ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स व्हिच वी वर हैविंग, माउंटेन्स, प्लेटूज एंड प्लेन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन गोज दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ माउंटेन एंड अ प्लेटू. अब माउंटेन और प्लेटू के बीच में क्या डिफरेंस है? ठीक है, माउंटेन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंस है कि माउंटेन जो होता है एक नेचुरल एलिवेशन होता है अर्थ के सर्फेस का, राइट. माउंटेन इज अ natural elevation of the earth surface. और plateau क्या होता है? Plateau is an elevated flat land. A very first difference. Natural elevation of the earth surface और plateau एक elevated flat land होता है. ठीक है, second mountain जो होता है वो considerably वो मतलब ज़्यादा लंबी surrounding area का होता है. ठीक है, वो higher होता है अपने surrounding area में. और plateaus क्या होते हैं? Plateaus flat होते हैं top से, वो टेबल लैंड तरीके दिखते हैं लेकिन वो फ्लैट होते हैं टॉप से. ओके, और वो जो सराउंडिंग एरिया होता है उसमें. तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं प्लेट्यूज और माउंटेन्स के बीच में. ठीक है, ग्रेट. थर्ड क्वेश्चन गोज दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. ओके, वन सेकेंड. या थर्ड क्वेश्चन गोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स कौन से होते हैं. ठीक है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स विच वी डिस्कस आउट. फर्स्ट वन वॉज द फोल्ड. ओके, वन सेकेंड, मैं स्पेलिंग एक बार यहाँ पे सही लिखती हूँ. ओके, फर्स्ट वन वॉज योर फोल्ड माउंटेन, सेकेंड वन वॉज योर वॉल्केनिक. ओके, फर्स्ट वन वॉज योर फोल्ड माउंटेन, सेकेंड वन वॉज योर वॉल्केनिक एंड थर्ड वन वॉज योर ब्लॉक. ठीक है, सो या यू हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड, वॉल्केनिक एंड द ब्लॉक. ठीक है, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो माउंटेन्स होते हैं वो मेंस के लिए कैसे, मतलब हम लोग के लिए, ह्यूमंस के लिए कैसे यूजफुल होते हैं. देखिए लाइक डिफरेंट वे से यूजफुल होते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि वाटर से जो माउंटेन वाटर जो आता है माउंटेन से
उसको हम लोग इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसको हम लोग रिस्पेक्टिवली यहाँ पर यूज़ करते हैं उस रिस्पेक्टिव माउंटेन के वाटर को. तो वेरी फर्स्ट यूज इज़ कि वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स आर यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है. सेकेंड है कि लाइक यहाँ पे होता है कि जो रिवर वैलीज होती हैं और जो टेरेस होते हैं वो एक बहुत ही अच्छे प्लेस होते हैं कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स के लिए. ठीक है. सो दैट इज द सेकेंड यूज ऑफ माउंटेन्स. थर्ड होता है कि माउंटेन्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोर हाउस ऑफ वाटर भी कहते हैं. तो वाटर के स्टोर हाउस के तरीके माउंटेन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, माउंटेन्स में हम लोग बहुत सारे स्पोर्ट्स कर सकते हैं जैसे कि पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्कीइंग. तो ये सारे कई तरीके के स्पोर्ट्स हम लोग माउंटेन्स पे कर सकते हैं. तो ये रिस्पेक्टिव यहाँ पे यूजर्स थे कि हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन. ठीक है. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन गोज, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड. प्लेन्स कैसे फॉर्म होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जब रिवर फ्लो करता है माउंटेन स्लोप से, ठीक है, तो इरोजन होता है माउंटेन से. मतलब इरोजन मतलब कि वहाँ पे जो भी लैंड, जो भी लाइक जो मिट सैंड और जो भी रॉक्स वगैरह होते हैं उनका इरोजन होता है. तो जो रिवर फ्लो करता है माउंटेन के स्लोप से, वो जो इरोडेड मैटर होता है जैसे कि क्ले, स्टोन्स, इन सबको अपने साथ इकट्ठा, अपने साथ जब वाटर फ्लो करता है नीचे स्लोप से तो अपने साथ लेके जाता है. तो उसी में जो स्टोन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो होती है, स्टोन्स, क्ले, सैंड, तो ये सारी चीज़ें वैली में जाकर के इकट्ठा हो जाती हैं और इसी से फॉर्मेशन होता है प्लेन्स का. ठीक है. हम लोगों ने इसको, मैंने आपको पढ़ाया था इवन जब डिस्कस किया था इस चैप्टर के बारे में, तब भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी. तो रिवर्स होते हैं, तो जो भी माउंटेन स्लोप्स होते हैं उस रिवर्स नीचे तरफ फ्लो करते हैं, तो उससे माउंटेन्स में इरोजन होता है. ठीक है. तो जो भी रिवर होती है वो अपने साथ जो भी इरोडेड मटेरियल होता है जैसे कि स्लेट, क्ले, स्टोन्स, इन सबको अपने साथ कैरी करके और नीचे वैलीज में जाकर इकट्ठा कर देती है, तो उसी से फॉर्मेशन हो जाता है प्लेन्स का. ठीक है. ग्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड. अब रिवर प्लेन्स जो होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, क्यों? क्योंकि रिवर प्लेन्स जो होते हैं वो लाइक फर्टिल, बहुत फर्टाइल होते हैं. ठीक है. तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन वगैरह जो होता है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का, वो बहुत ज़्यादा ईजियर हो जाता है. इसलिए जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं. ठीक है. वहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं काफ़ी फर्टाइल होते हैं, तो जो कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स का, वो सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं. ठीक है. रिवर प्लेन्स होते हैं थिकली पॉपुलेटेड होते हैं. अब वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड. अब जो माउंटेन्स होते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, क्यों? मतलब थिनली पॉपुलेटेड से मतलब कि वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम क्यों होती है, थिकली पॉपुलेटेड मतलब कि यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों होती है. ठीक है. तो माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि जो क्लाइमेट है वहाँ का वो बहुत ही मतलब लाइक माउंटेन, जैसे जैसे मैंने बताया था, जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते जाते हैं माउंटेन्स की तरफ, जो टेम्परेचर है काफ़ी डिक्रीज होता जाता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो जाता है. तो इतनी ज़्यादा ठंड में लाइक जनरली रहना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं होता है. तो फर्स्ट रीज़न यही है कि जो क्लाइमेट होता है बहुत ज़्यादा हार्श होता है माउंटेन एरियाज का. तो पहला रीज़न ये है कि इसलिए माउंटेन्स जो होते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड होते हैं. सेकेंड, जो स्लोप्स होते हैं माउंटेन्स में उसकी वजह से जो भी वहाँ पे फार्मिंग वगैरह होती है, लैंड वगैरह पे फार्मिंग वगैरह के लिए, वो काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि माउंटेन्स जो होते हैं वहाँ वो स्टीप स्लोप के होते हैं. ठीक है. मतलब बहुत थोड़ा चिकने टाइप के स्लोप्स होते हैं वहाँ पर, तो उसकी वजह से लैंड में जो फार्मिंग वगैरह है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है. सो दैट इज़ द सेकेंड रीज़न कि जो माउंटेन्स होते हैं वो थिनली पॉपुलेटेड क्यों होते हैं. ठीक है. सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, जो आंसर द फॉलोइंग थे. होप लाइक उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे. ठीक है. अब चलते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स पे. द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ. अब जो माउंटेन्स होते हैं वो हिल्स से किस रिस्पेक्टिव टर्म में डिफर करते हैं. ठीक है. एलिवेशन, स्लोप या फिर एस्पेक्ट. सो हियर आंसर इज एलिवेशन. सो एलिवेशन के फॉर्म में जो माउंटेन्स होते हैं वो डिफर करते हैं हिल्स से. ठीक है. ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स, द प्लेन्स ऑन द प्लेटूज. अब जो ग्लेशियर्स होते हैं वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं. सो ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स. क्यों? क्योंकि मैंने बताया था ग्लेशियर्स कैसे फॉर्म होते हैं. जब कोई रिवर लाइक रिवर फ्लो कर रही होती है और वो आइस की तरीके बिल्कुल जम जाती है, तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लेशियर्स, राइट. तो ये चीज़ें कहाँ पर हो सकती है, दैट इज पॉसिबल इन द माउंटेन्स. ठीक है. द डेक्कन प्लेटू इज लोकेटेड. डेक्कन प्लेटू कहाँ पे लोकेटेड है, तो इसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि द डेक्कन प्लेटू इज लोकेटेड इन इंडिया. ठीक है. इंडिया में
द रिवर यांग्स फ्लोज इन. ठीक है, अब ये रिस्पेक्टिव रिवर कहाँ पे फ्लो करती है, दैट इज यांग्स. ये रिवर कहाँ फ्लो करती है, साउथ अमेरिका नो, ऑस्ट्रेलिया नो, चाइना यस. तो द रिवर जो कि रिवर है यांग्स, ठीक है, ये फ्लो करती है चाइना में. अब ऑल इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज, यूरोप की जो भी इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है उसका नाम क्या है, सो दैट इज द एल्प्स, द एल्प्स, ALPS. ठीक है, सो इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप इज एल्प्स. ग्रेट. नेक्स्ट अब हमारे यहाँ पे आता है फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो अ डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड. डैश इज एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड. लो लेवल लैंड सिर्फ एक होता है, एंड दैट आर योर प्लेन्स, राइट. तो यहाँ पे इस रिस्पेक्टिव का आंसर होगा प्लेन. सो अ प्लेन इज एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड, क्योंकि माउंटेन्स और जो प्लैट्यूज होते हैं दोनों थोड़े हाई होते हैं, बट जो प्लेन्स होते हैं वो लो लेवल लैंड होते हैं बिल्कुल. ठीक है, ग्रेट. द हिमालयाज एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ डैश टाइप्स ऑफ माउंटेन्स. हमने तीन टाइप के माउंटेन्स पढ़े थे, ब्लॉक, हम लोगों ने ब्लॉक, फोल्ड और वॉल्कैनिक. ठीक है, तीन टाइप्स के पढ़े थे. तो जो हिमालयाज और जो एल्प्स है वो किस तरह के एग्जाम्पल्स हैं, दैट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ योर फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स. ठीक है, क्योंकि फोल्ड टाइप ऑफ माउंटेन्स के एग्जाम्पल्स हैं. डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स. अब कौन से एरिया जो है वो रिच होता है मिनरल डिपॉजिट्स में, सो नाउ इन दिस रिस्पेक्टिवली, सो डैश एरियाज आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स दैट आर योर प्लैट्यूज. ठीक है, प्लैट्यू एरियाज आर रिच इन योर मिनरल डिपॉजिट्स. ठीक है, द डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स. तो डैश इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स, द रेंज, हम लोगों ने पढ़ा था जो रेंज होती है, मतलब कि एक लाइन ऑफ माउंटेन्स जहाँ पे बहुत सारे लाइन से माउंटेन्स होते हैं, दैट वी कॉल एज अ रेंज, राइट. सो द रेंज इज अ लाइन ऑफ माउंटेन्स. द डैश एरियाज आर मोर प्रोडक्टिव इन, मोस्ट प्रोडक्टिव इन फार्मिंग. तो कौन से एरियाज होते हैं सबसे प्रोडक्टिव होते हैं फार्मिंग में, माउंटेन्स तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं, प्लैट्यूज भी नहीं होते हैं, यहाँ पर होते हैं प्लेन. इसी वजह से जो प्लेन्स होते हैं वो थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा होती है. यही रीज़न होता है क्योंकि वो फार्मिंग के लिए काफ़ी प्रोडक्टिव है, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क वहाँ पे लाइक फॉर्म हो सकता है. तो इन रीजंस की वजह से यहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक थिकली पॉपुलेटेड होते हैं. ठीक है, अब थिंग्स टू डू मैप स्किल्स, ये आप एक बार अपने आप एक बार सॉल्व करके ट्राई कर लीजिएगा. ग्रेट. सो यहाँ पे हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज फिनिश अप कर ली है, चैप्टर नंबर इसकी 6 की, मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, राइट. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा. सो आज हम लोग यहाँ पे सस्पेक्टिव चैप्टर नंबर 7, दैट इज आर कंट्री इंडिया फ्रॉम क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी, इसके हम लोग आज यहाँ पर एक्सरसाइजेस को सॉल्व आउट करने वाले हैं. ठीक है, सो इसको ऑलरेडी मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड एज वेल एज समरीज के हम लोग पढ़ चुके हैं. तो अगर आपको वीडियोज़ रेफ़र करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट का लिंक मेंशन है, आप उसमें जा करके वीडियोज़ को रेफ़र कर सकते हो. ठीक है, ग्रेट. सो एक्सरसाइजेस यहाँ पर तीन फॉर्म्स में है. फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर द फॉलोइंग, देन वी हैव टेक द करेक्ट आंसर्स, थर्ड वी हैव हियर द फिल इन द ब्लैंक्स. ठीक है, तो इन तीनों एक्सरसाइजेस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे. ग्रेट, सो जस्ट लेट मी क्विकली टेक द पेन. Right here, let's get started out. So the first question is that name the major physical divisions of India. Okay, India ke jo bhi major physical divisions hain, we have to write out the names for that. Okay, before moving towards the answer, main aapko yahan pe suggest karungi ki aap video ko yahin pe pause karein. और जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं आप उनको एक बार खुद ट्राई करें सॉल्व करने की. सो अगर आप इसको खुद ट्राई आउट करोगे तो आपको एक ये आइडिया मिलेगा कि कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पे आप फंस रहे हो, डाउट हैं, तो आप उनको आगे वीडियो पे वॉच करके अपने आंसर्स को क्लैरिफाई कर सकते हो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड आउट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट नेम द मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. अब इंडिया के 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स हैं. फर्स्ट वन इज द हिमालयाज, देन यू हैव द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लैट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. ठीक है, आई वुड अगेन रिपीट, वी हैव 5 मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. फर्स्टली इज द हिमालयाज, द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लैट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. ठीक है, ये हमारे 5 रिस्पेक्टिव मेजर फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया हैं. ठीक है, होप दिस आंसर इज वेरी मच क्लियर टू यू. नेक्स्ट, इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद 7 कंट्रीज, नेम देम. अब कौन सी 7 कंट्रीज है जिससे इंडिया अपनी लैंड बाउंड्रीज को शेयर करती है. तो वी हैव 7. फर्स्ट वन इज अफगानिस्तान,
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चाइना एंड म्यांमार। ठीक है, सो ये चीज़, ये जो आंसर है ये आपको यहाँ पे मैप में भी मिल जाएगा। वन सेकेंड, यहाँ पे एक डिटेल मैप भी था यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा कौन कौन सी कंट्री से इंडिया बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, तो मैंने भी सारे बताया, पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। ठीक है, ग्रेट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। थर्ड, विच टू मेजर रिवर्स फॉल इन द अरेबियन सी। जब मैंने डिस्कस किया था रिस्पेक्टिव चैप्टर को डिटेल में, तो मैंने आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया था उसमें कि सिर्फ ऐसी दो रिवर्स हैं जो कि वेस्ट डायरेक्शन में जाके ड्रेन आउट होती हैं अरेबियन सी में। अदर दैन दैट, जितनी भी रिवर्स हैं सारी की सारी ईस्ट डायरेक्शन में जाके ड्रेन आउट होती हैं, दैट इज़ इन द इंडियन ओशन। ठीक है, तो अरेबियन सी में जो दो रिवर्स ड्रेन आउट होती हैं, दैट आर योर, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ क्योंकि आंसर इसका बहुत शॉर्ट सा है, नर्मदा एंड सेकेंड इज़ द तापी। ठीक है, तो नर्मदा और तापी ये दो ऐसी रिवर्स हैं जो कि अरेबियन सी मतलब कि वेस्ट डायरेक्शन में जाके ड्रेन आउट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेम द डेल्टा फॉर्म बाय द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। अब गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर के थ्रू जो डेल्टा फॉर्म होता है उसका नाम लिखे, सो दैट इज सुंदरबन डेल्टा। मैं इसको आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, सुंदरबन एंड हियर गोज योर डेल्टा। तो सुंदरबन डेल्टा इज अ डेल्टा विच इज फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की हेल्प से वी फॉर्म द डेल्टा विच इज सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, ग्रेट। How many states and union territories are there in India? Which states have a common capital? अब in total कितने states और कितने union territories हैं India में, और ऐसी कौन कौन से states हैं जिनका capital similar है, मतलब same है जिनका capital। ठीक है, तो first of all we have 29 states। ठीक है, in total we have 29 states. About the union territories, so we have 9 union territories, 9 union territories. ठीक है, ये तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का कि इस कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स हैव अ कॉमन कैपिटल। अब कौन से स्टेट्स हैं जिनके कैपिटल्स कॉमन होते हैं। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, अब इस चीज़ को आप यहाँ पे प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप इसको याद रखें कि पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनका कि कैपिटल सेम है। ठीक है, पंजाब एंड हरियाणा, फाइन। नेक्स्ट, व्हाई डू लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। अब नॉर्दर्न प्लेन्स में लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्यों रहते हैं, क्यों? बिकॉज नॉर्दर्न प्लेन्स में जो रिवर प्लेन्स होते हैं वो काफ़ी, उसमें लैंड जो होता है बहुत फर्टाइल होता है। तो अगर फर्टाइल लैंड है तो ऑब्वियसली सी वहाँ पे कल्टिवेशन बहुत अच्छा होगा, राइट? तो फर्टाइल लैंड और उसमें कल्टिवेशन बहुत अच्छा होता है, इसकी वजह से अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव अप इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, तो ये रीज़न है कि बहुत सारे लोग नॉर्दर्न प्लेन्स में लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव, बिकॉज रिवर प्लेन्स जो होते हैं वो फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं कल्टिवेशन के लिए। ठीक है, ग्रेट, ओके, दिस इज आज वेल डन। दिस, वाई इज लक्षद्वीप नोन एज अ कोरल आइलैंड। अब लक्षद्वीप जो है उसको हम लोग कोरल आइलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो कोरल से फॉर्म हुआ है। वॉट आर कोरल्स? तो कोरल्स जो होते हैं वो जो छोटे छोटे मरीन एनिमल्स होते हैं, जो जो एनिमल्स वाटर में रहते हैं, इनको पॉलिप्स कहते हैं, POLYPS, पॉलिप्स। ठीक है, जो छोटे छोटे टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं वो होते हैं पॉलिप्स। तो जो कोरल्स होते हैं वो उनके स्केलेटन्स से मिलके फॉर्म होते हैं, टाइनी मरीन एनिमल्स होते हैं उनके स्केलेटन से मिलके कोरल्स फॉर्म होते हैं। और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो एक कोरल आइलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो कोरल से मिलके फॉर्म आउट हुआ है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कोरल्स, दैट इज़ द रीजन दैट कि हम लोग लक्षद्वीप वी नोन एज अ कोरल आइलैंड। ठीक है, ग्रेट, होप्स ये आंसर्स आपको सारे के सारे क्लियर है जितने मैंने यहाँ पर डिस्कस किए, 1 2 3 4 5 6 7 6 7 7। ओके, ग्रेट, अब वी हैव द टेक द करेक्ट आंसर्स। ओके, द सदर्न मोस्ट हिमालयाज
आर नोन एज. अब जो सदर्न मोस्ट हिमालयाज हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट. सो द फर्स्ट आंसर फॉर दिस इज शिवालिक्स. ठीक है, इसको आप याद रखिए कि मैंने जब डिटेल में इसको स्टडी आउट कराया था तभी मैंने आपको बोला था कुछ पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना. ठीक है, तो ये सदर्न मोस्ट हिमालयाज हैं दैट आर नोन एज शिवालिक्स. ठीक है, ग्रेट. सयाद्रीज इज ऑल्सो नोन एज. अब यहाँ पे जो सयाद्रीज है वो किसका अदर नेम है? सो सयाद्रीज आर द अदर नेम्स फॉर द वेस्टर्न घाट्स. ठीक है, वेस्टर्न घाट्स का अदर नेम होता है सयाद्रीज. ठीक है, द पार्क स्ट्रीट लाइज बिटवीन विच कंट्री? श्रीलंका एंड मालदीव्स, इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड मालदीव्स. सो द पार्क स्ट्रीट लाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक पार्क स्ट्रीट लाई करता है. ठीक है, वन सेकेंड. द इंडियन आइलैंड्स इन द अरेबियन सी आर नोन एज. ओके, द इंडियन आइलैंड्स और अरेबियन सी में उसको क्या बोलते हैं? अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और मालदीव्स. आंसर इज लक्षद्वीप आइलैंड्स. तो जो इंडियन आइलैंड जो अरेबियन सी में है दैट इज लक्षद्वीप आइलैंड. अब अगर आप उधर पे इंडियन ओशन की बात करोगे सो इन दैट वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, ग्रेट. द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द हिमालय द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया इज. तो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं? अरावली हिल्स. ठीक है, अरावली हिल्स आर द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया. ठीक है, ग्रेट. नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. सो इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट कितना, लाइक अबाउट व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया. अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है कि नॉर्थ टू साउथ का बताना है या वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट किसका बताना है. सो हम लोग एक कंप्लीट लिखेंगे यहाँ पे. ठीक है, सो कंप्लीट वी हैव 3.28 मिलियन स्क्वेयर मीटर मीटर. ठीक है, सो इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वेयर मीटर. अब यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिक नहीं किया गया था नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट और व्हाट. सो इन दैट केस हम लोग यहाँ पे ये कंप्लीट एरिया मेंशन आउट करेंगे. ठीक है, ओके, वन सेकेंड, आई एम सो सॉरी, इट्स अ स्क्वेयर. ओके, मी टू. ग्रेट, द ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज. अब ग्रेटर हिमालयाज को हम लोग और क्या कहते हैं? सो ग्रेटर हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड एज हिमाद्री. ठीक है, अनदर नेम फॉर द ग्रेटर हिमालयाज इज हिमाद्री. ठीक है, द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया इज. एरिया के टर्म्स में जो लार्जेस्ट स्टेट इंडिया में है वो कौन सी है? अगर एरिया के टर्म्स में बात करें तो दैट इज राजस्थान. दैट इज राजस्थान. सो राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया. ठीक है, ग्रेट. द रिवर नर्मदा फॉल्स इन टू द. अब जो रिवर नर्मदा है वो किस उसमें फॉल करती है, किस सी में फॉल करती है? ठीक है, सो रिवर नर्मदा फॉल्स अप इनटू द अरेबियन सी. अरेबियन सी, ओके, वन सेकेंड. मैंने इधर पे कहीं पे, हाँ, मैंने अभी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इन विच टू मेजर रिवर्स फॉल इन द अरेबियन सी, नर्मदा एंड तापी, राइट? तो यहाँ पे द रिवर नर्मदा फॉल्स इन द, सो वही सेम आंसर रहेगा, दैट इज अरेबियन सी. ठीक है, ग्रेट. द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया, जो लैटिट्यूड जो हाफ वे थ्रू इंडिया रन करता है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज द लैटिट्यूड दैट रन्स ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू इंडिया. ठीक है, ग्रेट. तो यहाँ पे हम लोगों ने इन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस को डिस्कस किया, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली, देन वी डिस्कस अबाउट द टेक द करेक्ट आंसर्स, और फिर हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स को डिस्कस किया. अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आप वहाँ पे वीडियो को पॉज करें और सारे क्वेश्चंस को फिलअप करें. तो अब आपने जब आंसर्स करे होंगे तो मे बी आपके सारे आंसर्स सही होंगे या एक आध आंसर इधर लाइक थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा. तो होपफुली कि आपने उनको यहाँ से वेरीफाई कर लिया होगा और जो भी मिस्टेक्स थी आपने उनको रेक्टिफाई कर लिया होगा, राइट? तो यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट चैप्टर होता है फिनिश विद द एक्सरसाइजेस एज वेल, विच इज चैप्टर नंबर 7, आर कंट्री इंडिया. सो इस रिस्पेक्टिव चैप्टर में हम लोगों ने इंडिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्स को
पढ़ा, राइट। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को पूरा डिटेल में स्टडी आउट करा, इवन हम लोगों ने इसकी समरी को भी पढ़ा, दैट इज इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पर इसके सॉल्व आज एक्सरसाइजेस के सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी एक्सरसाइजेस के हम लोग यहाँ पर आज मिलकर के सॉल्व करेंगे। अब एक्सरसाइजेस सॉल्व करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर है जो कि आपको मेक श्योर करनी है कि आप उस चीज़ को याद रखें कि जितनी भी एक्सरसाइजेस आप उनको एक बार अपनी तरफ से ट्राई करो कि आप उनको एक बार सॉल्व आउट करो, ठीक है। और वीडियो को पॉज करें यहीं पे, एक्सरसाइज को अपने आप सॉल्व करें और फिर वापस बैक वापस यहाँ पे आएँ और जो भी आपने आंसर्स लिखे हैं उनको वेरीफाई करें या जो भी मिस्टेक्स हुई हैं उनको क्लैरिफाई करें और दिस विल बी अ गुड वे फॉर सॉल्विंग ऑफ द एक्सरसाइज। मैं डायरेक्टली आंसर बता दूंगी, आप डायरेक्टली आंसर्स लिख लोगे, दैट्स नॉट अ प्रिटी गुड वे, ठीक है। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो और आप इसको यहाँ पे रेफर आउट कर सकते हो, ठीक है। ग्रेट, लेट्स गेट स्टार्टेड आउट फॉर। सबसे पहले वी आर गोना स्टार्ट अप हियर दैट विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया, व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। कौन से विंड्स हैं जो कि इंडिया में रेनफॉल लेकर के आते हैं और ये क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कौन सी विंड्स इंडिया में मानसून लेके आती हैं, सॉरी रेनफॉल लेके आती है, दैट इज साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। वन सेकेंड, मैं आंसर भी यहाँ पे लिखती चलूंगी, ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है मैं लिखती चलूंगी, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, ठीक है। साउथ वेस्ट मानसून विंड्स हैं जो कि रेनफॉल लाती हैं इंडिया में। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, देखिए एग्रीकल्चर जो इंडिया में है वो टोटल रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। जितनी ज़्यादा अच्छी अमाउंट ऑफ रेनफॉल होगी उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके क्रॉप्स ग्रो करेंगे, राइट। सो इस रीज़न से जो साउथ वेस्ट मानसून होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स होती हैं, वो रेनफॉल लाती हैं इंडिया में। रेनफॉल इसी रीज़न से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जितनी ज़्यादा अच्छी रेनफॉल होगी, जो एग्रीकल्चर होता है ना इंडिया में वो टोटल रेनफॉल पर डिपेंडेंट होता है, तो जितनी ज़्यादा अच्छी रेनफॉल होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छे अमाउंट में अच्छे आपके क्रॉप्स होंगे। अब कम रेनफॉल होगी तो जो क्रॉप्स का जो अच्छे होने का रेशियो वो कम हो जाएगा, बट अगर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होगी तो जो क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, ठीक है। ग्रेट, नेक्स्ट, फर्स्ट वन इज डन। नेक्स्ट, नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया। अब इंडिया में जो डिफरेंट सीजन्स हैं उनका नेम, विंटर समर मानसून दैट इज रेनी एंड ऑटम, ठीक है। डिफरेंट सीजन्स इंडिया में ये चार होते हैं। अब देखते हैं कौन सा सीजन कब तक होता है। सो विंटर जो होता है, विंटर इज फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रवरी, विंटर इज फ्रॉम दिसंबर टू फेब्रवरी, ठीक है। आफ्टर विंटर वी हैव समर, समर जो होता है दैट इज फ्रॉम मार्च टू मई, ठीक है, समर मार्च टू मई। देन कम्स योर रेनी, देन कम्स योर रेनी सीजन। सो रेनी सीजन होता है जून से सितंबर तक, जून टू सितंबर। देन कम्स योर ऑटम सीजन, सो ऑटम इज फ्रॉम अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है। तो ये चार सीजन्स होते हैं इंडिया में और रिस्पेक्टिव ये इनका टाइम ड्यूरेशन या टाइम पीरियड होता है, मंथ्स होते हैं जिसमें कि जो रिस्पेक्टिव सीजन्स होते हैं, विंटर समर रेनी एंड ऑटम, ठीक है। ग्रेट, थर्ड क्वेश्चन दैट व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है। अब कुछ मतलब जो ग्रास होती है, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होती हैं, ठीक है, जो कि ग्रो करते हैं बिना किसी की इंटरफेरेंस के या बिना किसी की हेल्प के, वो जो ग्रो करते हैं बिना किसी ह्यूमन बींग्स की हेल्प के, मतलब खुद ही जो भी श्रब्स ट्रीज और ग्रासेस वगैरह ग्रो करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज नेचुरल वेजिटेशन। तो जो भी मैं यहाँ पे इसके डेफिनेशन में लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग साथ में, वन सेकेंड, ग्रासेस, ग्रास, ट्रीज, श्रब्स दैट ग्रो विदाउट एनी ह्यूमन, विच ग्रो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस,
तो जो ग्रासेस, ट्रीज और जो श्रब्स होते हैं जो विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस ग्रो करते हैं, दैट इज योर नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, सो ग्रेट, योर आंसर द फॉलोइंग आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है पूरा. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे. टेक द करेक्ट आंसर्स. द वर्ल्ड हाईएस्ट रेनफॉल अकर्स है, कौन से रीजन में वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल अकर करती है? मुंबई, नो. असनसोल, नो. मौसनराम इज द प्लेस, द रीजन इन मेघालय. मेघालय में है ना ये रीजन, राइट? मैंने बताया था आपको. तो मेघालय में रीजन है, दैट इज मौसनराम, और जहाँ पे वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है. ठीक है, वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन. अब जो वाइल्ड गोट्स और स्नो लेपर्ड्स कहाँ फाउंड होते हैं? गिर फॉरेस्ट, नो. पेनिनसुलर रीजन, नो. हिमालयन रीजन, यस. मैंने बताया था कि जो वाइल्ड गोट्स और जो स्नो लेपर्ड्स होते हैं ये ठंडी जगहों पे रह सकते हैं, राइट? ये जो होते हैं वाइल्ड गोट्स और स्नो लेपर्ड्स, ये जो एनिमल्स होते हैं वो ठंडी प्लेसेस में सर्वाइव कर पाते हैं. सो दैट इज द हिमालयन रीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रीजन होता है, राइट? तो ये सारे जितने भी एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, सो दीज आर फाउंड इन हिमालयन रीजन्स. ठीक है, नेक्स्ट. ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम. अब साउथ वेस्ट मानसून के टाइम जो मॉइस्चर लैडन, जिसमें जो जिन विंड्स में मॉइस्चर होता है, वो किस डायरेक्शन मूव करती हैं? वो डायरेक्शन मूव करती है फ्रॉम सी टू लैंड. हम लोगों ने पढ़ा था कि अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यहाँ से जो मॉनसून विंड्स होती हैं वो ब्लो करती हैं लैंड की तरफ. इन विंड्स में मॉइस्चर होता है, तो जैसे ही किसी माउंटेन बैरियर से टकराती हैं तो वहाँ पे रेनफॉल होती है. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून पीरियड होता है, तो उसमें जो मॉइस्चर से भरी हुई जो विंड्स होती है, मॉइस्चर होता है, वो सी से लैंड की तरफ ब्लो करती हैं. तो यहाँ पे ये रिस्पेक्टिव जो है कॉज करता है रेनी सीजन. ठीक है, और अगर उल्टी डायरेक्शन, मतलब कि लैंड से फिर ये अगर बे ऑफ बंगाल या फिर की तरफ अगर ब्लो करती हैं, दैट कॉजेज योर ऑटम सीजन. ठीक है, ग्रेट. अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज डैश ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर्स. हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज लू, एल डबल ओ. लू जो टर्म है उसको वो यूज होता है हॉट और ड्राई विंड्स के लिए, जो कि समर्स में डे के टाइम पे ब्लो करती हैं. ठीक है, सो दैट इज टर्म्ड एज लू. द स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग द सीजन ऑफ. अब किस सीजन में जो स्टेट, जो तमिलनाडु जो स्टेट्स हैं, ये किस सीजन में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनको सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती है? तो वो होता है रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑटम. तो मैं दोनों ही यहाँ पे लिख देती हूँ, रिट्रीटिंग मानसून और ऑटम. वन सेकेंड, AUTU, ऑटम. ठीक है, तो जो स्टेट्स ऑफ आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं वो एक ग्रेट अमाउंट रिसीव करती है रेनफॉल, ग्रेट अमाउंट को रिसीव करती हैं किसी सीजन में, तो दैट इज रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑटम. ठीक है, डैश फॉरेस्ट इन द गुजरात इज द होम ऑफ डैश. गुजरात में कौन सा फॉरेस्ट किसका होम है? सो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस. सो गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस. ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था ऊपर, मैंने हाईलाइट भी करके आपको बताया था. तो गुजरात में जो गिर फॉरेस्ट है वो होम है एशियाटिक लायंस का. ठीक है, तो यहाँ पर ही एक्सरसाइजेस होती हैं फिनिश अप. तो हम लोगों ने डिस्कस किया विच विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया. तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स ब्रिंग रेनफॉल इन इंडिया. वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इन यहाँ का जो एग्रीकल्चर है पूरा रेनफॉल पर ही डिपेंड करता है. सो एज टू हैव अ गुड एग्रीकल्चर, गुड कल्टिवेशन, यहाँ पर रेनफॉल, अ गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल का होना ज़रूरी है. ठीक है, नेम द डिफरेंट सीजन्स इन इंडिया. फोर सीजन्स आर देयर, विंटर, समर, रेनी एंड ऑटम. विंटर इज फ्रॉम दिसंबर अप टिल फेब्रवरी. समर इज फ्रॉम मार्च अप टिल मे. रेनी इज फ्रॉम जून अप टिल सेप्टेम्बर एंड ऑटम इज फ्रॉम अक्टूबर एंड नवम्बर. ठीक है,
वॉट इज नेचुरल वेजिटेशन? जब ग्रासेस, ट्रीज और श्रब्स जो होते हैं वो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के अपने आप ग्रो कर जाते हैं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज नेचुरल वेजिटेशन. ठीक है, वर्ल्ड की जो हाइएस्ट रेनफॉल है वो कहाँ पर अकर होती है? दैट अकर्स इन मौसिनराम, दैट इज इन मेघालय. वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड्स आर फाउंड इन कौन सा रीजन में? वाइल्ड गोट्स और स्नो लेपर्ड्स फाइंड आउट होते हैं हिमालयन रीजन में. ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मानसून लैडन विंड्स ब्लो फ्रॉम किस डायरेक्शन मूव करते हैं? सी टू लैंड. जब सी टू लैंड होते हैं तब होता है रेनी सीजन, एंड जब लैंड टू सी होता है देन इज योर ऑटम सीजन. ठीक है, हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज डैश ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर्स. सो हॉट एंड ड्राई विंड्स नोन एज लू ब्लो ड्यूरिंग द डे इन द समर्स. द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु रिसीव अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन विच सीजन? सो इन द रिट्रीटिंग मानसून और द ऑटम सीजन. तो रिट्रीटिंग मानसून या फिर ऑटम सीजन में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ग्रेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल होती है. एंड गिर फॉरेस्ट इन गुजरात इज द होम ऑफ एशियाटिक लायंस. ठीक है, ग्रेट. सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर अभी भी आपको इसके कोई डाउट्स है तो आप, मैंने इसके डिटेल वीडियोज़ बनाए हैं, आप उसको जाके एक बार रेफर आउट कर सकते हो. सारे के सारे वीडियोज़ का प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हैं और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन आउट है. आप जाके उसको रेफर आउट कर सकते हो इवन फॉर अ समरी एज़ वेल, राइट? सो यहाँ पर हम लोगों ने इस रिस्पेक्टिव चैप्टर की पूरी यहाँ पे एक्सरसाइज को सॉल्व किया. और यहाँ पे हमारी होती है क्लास सिक्स की ज्योग्राफी फिनिशअप. ठीक है, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे क्लास सिक्स की ज्योग्राफी को पूरा फिनिशअप करा. पूरे 8 चैप्टर्स को हमने स्टडी किया डिटेल में, देन हम लोगों ने उनकी उसकी पूरी समरी को स्टडी आउट किया, एक्सरसाइजेस को डिटेल में पढ़ा, हर एक चीज़ को डिटेल में समझा. नेक्स्ट अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ पर थर्ड पार्ट, दैट इज सिविक्स फॉर क्लास सिक्स. ठीक है, तो उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर ज्योग्राफी हमारी कम्प्लीटली फिनिशअप हो गई है. तो उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ. चलना, थैंक यू एंड टेक केयर. जय हिंद.